नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफलाइन फॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आर्मी एमबीएस रिक्रूटमेंट 2022। आप सभी के बहुत सारे व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई ये वैकेंसी कब आएगी, क्या ये वैकेंसी फेक है, इसका नोटिफिकेशन कब आना है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या मैंने 10वीं पास कर ली है, मैं इसके लिए अप्लाई कर पाऊंगा, मैंने 12वीं पास कर ली है, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर पाऊंगा। आपके तरह तरह के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि आप कितनी पर पोस्ट रहने वाली हैं, तो ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यहां पर आपकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली हैं, आपके यहां पर 3853 आपकी काफी अच्छी आपके यहां पर पोस्ट रहने वाली है। ऑफलाइन एप्लीकेशन इसके लिए इनवाइट किए जाएंगे, कब इनवाइट किए जाएंगे, क्या प्रत्येक पोस्ट के यहां पर क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या आपकी एप्लीकेशन फी होने वाली है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट क्यों, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आगे भी आप सभी को यहां पर इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई इसमें एज क्या होने वाली है, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर पाऊंगा। देखिए, यदि आपकी जो एज है यहां पर 18 से 27 वर्ष के बीच है, तो आप इसके लिए ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल यहां पर दोनों अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी को देखिए बात कर लेता हूं एज में रिलैक्सेशन की। तो यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, तो आपकी जो यहां पर एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट को यहां पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यदि आपकी सैलरी की बात की जाए, तो आपके यहाँ पर 20,200 आपके यहाँ पर सैलरी होने वाली है। अब बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट डिटेल को लेकर कि किस पोस्ट के यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कितनी उस पोस्ट के यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, यहाँ पर आपकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली है 3853 आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। यदि बात कर लेता हूँ स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की, तो आपके यहाँ पर 363 पोस्ट है। स्टेनो सेकंड की यहाँ पर 94 पोस्ट है। यूडीसीएन या अपर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पर 212 पोस्ट रहने वाली है। लोअर डिवीजन क्लर्क की आपके यहाँ पर 464 आपके यहाँ पर काफी अच्छी आपको यहाँ पर पोस्ट आपकी रहने वाली है। यदि आप सीएमडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी 630 पोस्ट रहने वाली है। पियोन की आपके यहाँ पर 706 आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। चौकीदार की बात कर ली जाए, तो चौकीदार की 531 पोस्ट है। सफाई वाले की आपके यहाँ पर 249 पोस्ट है। चौकीदार की आपके यहाँ पर 13 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है। यदि आप कैनमैन और एमरीडर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसका भी ऑप्शन नोटिफिकेशन जैसे ही आपका यहाँ पर जारी होगा, आपको तुरंत बता दिया जाएगा इसकी कितनी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। मेट की आपके यहाँ पर 591 पोस्ट रहने वाली है। इस प्रकार आपके यहाँ पर जो टोटल पोस्ट रहने वाली है आपकी 3853, यानी काफी अच्छी आपके यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर, देखिए आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर मैं आप बात कर चुका हूँ। अब बात करेंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कि किस पोस्ट की आपके यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। देखिए, यदि आप स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके यहाँ पर 363 पोस्ट है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। स्टेनो की आपके यहाँ पर 94 पोस्ट रहने वाली है। 12th पास यदि आपने कर लिया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा आप यदि आप अप्लाई करना चाहते हो अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो इसकी 212 पोस्ट है, आप इसके लिए डिग्री से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करना चाहते हो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो इसकी 464 यानी बड़ी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। 12th पास यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपकी टाइपिंग भी होने वाली है। इंग्लिश की जो टाइपिंग है 35 वर्ड प्रति मिनट, और हिंदी की टाइपिंग यहाँ पर आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। आपकी ऑन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर पर आपकी ये टाइपिंग होनी चाहिए। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर सीएमडी की पोस्ट के लिए, तो आपके यहाँ पर 630 पोस्ट हैं। 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया से इसके लिए, यहाँ पर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पियोन की यहाँ पर 706 पोस्ट हैं। इसके लिए भी यहाँ पर ओनली 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने 10वीं पास कर ली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चौकीदार की आपके यहाँ पर 531 पोस्ट है। इसके लिए भी यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बात कर लेता हूँ यहाँ पर सफाई वाली की पोस्ट के लिए, तो सफाई वाली की पोस्ट के लिए यहाँ पर 249 पोस्ट रहने वाली है। 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। चौकीदार केएस की पोस्ट के लिए आपके यहाँ पर 13 पोस्ट रहने वाली है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, बट आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डिप्लोमा की आवश्यकता होने वाली है। यदि आपके पास कुकिंग या कैटरिंग से आपके पास डिप्लोमा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बिना डिप्लोमा के आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैनमैन की पोस्ट के लिए भी आप 10वीं से अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं के साथ साथ आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको इस सर्टिफिकेट को बनवा के रख लेना है। एम रीडर की पोस्ट के लिए भी आप 12वीं से अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेट एसएसके की पोस्ट के लिए आपके यहाँ पर 591 पोस्ट है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी कि आपको सर्टिफिकेट कैसे बनवाना होगा, कहाँ पर जाकर आपको बनवाना है। देखिए, बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पर जो आपको सभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से
डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर रेडी भी करवा सकते हो। आपके यहाँ पर सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा ग्रेजुएशन से अप्लाई करें तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट के यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। इसके अलावा यानी बर्थ सर्टिफिकेट यानी आपके यहाँ पर जो 10वीं की मार्कशीट है वो कंपलसरी है, वो आपको रखनी होगी, क्योंकि आपकी 12वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, आपकी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होती है तो आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में वो लगानी होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने वाली है। जाति प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता होने वाली है ओबीसी एससी एसटी को होने वाली है, जनरल कैंडिडेट को बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होने वाली है। आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होने वाली है, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर रखने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके रखना होगा। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर कब से फॉर्म शुरू होंगे। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सेंड करना है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना होगा। आई होप अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो आपका एज को लेकर, वैकेंसी को लेकर जो आपका डाउट रहा था कि भाई मैंने 10वीं पास कर ली तो क्या इसके लिए अप्लाई कर पाऊंगा, मेरी इतनी एज है क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर पाऊंगा, अभी आपका यहाँ पर कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। बात करते हैं ये वैकेंसी आपके यहाँ पर कब आने वाली, कितना टाइम इस वैकेंसी को आने में लग सकता है। देखिए अभी कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं बताया गया है। ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2021 में आपका जारी किया गया था, लेकिन आपकी ये 100% मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो आपकी वैकेंसी है 2022 में 100% आने वाली है। अब कब तक आने वाली ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी वैकेंसी है जून से जुलाई में बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर चांसेज हैं, आपकी जो आने वाली है आपकी 2022 में 100% आपकी जून जुलाई में आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आई होप आप समझ चुके होंगे ना अभी आपका कोई डेट ऑफ बर्थ और अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर कोई डाउट नहीं रहा होगा। आई होप आपको दी गई जानकारी पसंद भी आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आगे भी ऐसे ऑफलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। We'll be right back.